हाय फ्रेंड्स, यह आज का एक नया टॉपिक है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? तो वे राशियां जिनका निर्माण मूल राशि और पूरक राशियों के द्वारा होता है उसको हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशि। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि मूल राशि किसे कहते हैं, तो वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं उनको कहते हैं मूल राशि, और मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उनको मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न राशि क्या है? तो व्युत्पन्न राशि में हम लोग देखा कि व्युत्पन्न राशि वे राशियां जिनका निर्माण मूल राशि और पूरक राशियों के द्वारा होता है उसको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। पूरक राशि क्या है? तो जिसका मात्रक होता है लेकिन बीमा नहीं होती उसको हम व्युत्पन्न राशि ऐसा पूरक राशि कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि व्युत्पन्न राशि सूत्र और इसका मात्रक क्या है। हम लोगों ने 7 प्रकार की मूल राशियों को देखा था, 2 प्रकार की पूरक राशियों को देखा था, टोटल मिलाकर के 9 को देखा था, और उन 9 के अतिरिक्त जितनी भी राशियां होंगी, भौतिक राशियां होंगी, वे सारी भौतिक राशियां आपकी व्युत्पन्न राशि होंगी। जैसे हम लोग शुरू कर लेते हैं, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, एक चीज आप जान लीजिए कि चाहे लंबाई हो, यानी कैसे लिख देते हैं हम, लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई या मोटाई, चाहे पतलाई हो, चाहे दूरी हो, चाहे विस्थापन हो, चाहे व्यास हो या त्रिज्या हो, चाहे आयाम हो, इन सभी को मापते हैं हम किस चीज से, मीटर से। ये याद रखना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई पतलाई दूरी विस्थापन त्रिज्या आयाम, इन सभी चीजों को हम मेजर करते हैं मीटर से। तो देखिए व्युत्पन्न राशि में पहला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए इसका मात्रक कैसे बनाते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीख लीजिए और आप आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो कितने मात्रक याद करेंगे आप, भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप बनाने का तरीका सीखिए, देखिए बहुत बिल्कुल आसान है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए लंबाई चाहे चौड़ाई कुछ भी होगा तो उसको मापने के लिए मीटर का प्रयोग करेंगे। तो लंबाई है और चौड़ाई है तो मीटर गुणे मीटर, यानी इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम यहां पर लिख दें 2 नंबर में आयतन, तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इसका भी मात्रक हो जाएगा मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, यानी मीटर क्यूब, क्योंकि लंबाई को भी मीटर से, चौड़ाई को भी मीटर से, और ऊंचाई को भी मीटर से, मीटर क्यूब। इसी तरीके से 3 नंबर में अगर हम लिख लें चाल स्पीड, तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटे में समय। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मीटर का। तो यहां पर हमने लिख दिया मीटर, और नीचे समय है तो समय को मापने के लिए हम सेकेंड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लंबाई या दूरी इसको मापते हैं मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से, सेकंड से विद्युत धारा एम्पियर से, ताप को केल्विन से, ज्योति तीव्रता को मापते हैं कैंडिला से, और पदार्थ की मात्रा को मापते हैं मोल से। ये याद रखना है आप लोगों को, जो ये 7 प्रकार की मूल राशियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 प्रकार की मूल राशियां, इसका प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे। तो देखिए चाल में दूरी और समय, तो दूरी जो है, दूरी का मात्रक मीटर हो गया, और समय को मापते हैं किसे, सेकंड से, तो मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से 4 नंबर में अगर हम यहां पर लिख दें चाल के बाद से अगर हम लिख देते हैं वेग, वेलोसिटी वेग, तो वेग का होता है सूत्र विस्थापन बटे में समयांतराल या समय, समयांतराल बल्कि लिख दे रहे हैं समयांतराल, तो विस्थापन का भी मात्रक होगा मीटर, क्योंकि आप जानते हैं कि विस्थापन का मात्रक मीटर, और समयांतराल का मात्रक हो जाएगा सेकंड,
यानी कि मीटर पर सेकंड चाल का भी और वेग का भी मात्रक मीटर पर सेकंड, ये याद रखना है आपको। इसके बाद से पांच नंबर में त्वरण, त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे में समयांतराल या समय। तो वेग परिवर्तन यानी कि पहले वेग में से दूसरे को चाहे दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो वेग में परिवर्तन निकलेगा। तो वेग परिवर्तन का मात्रक, जो वेग का मात्रक होता है वही होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर और पर सेकंड। ये केवल हो गया वेग परिवर्तन का, नीचे समय है तो समय का सेकंड होगा, सेकंड से गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद से हम देख लेते हैं बल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान और गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हम लोग निकाले हैं ये त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और देखो ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसी को हम लोग लिखते हैं न्यूटन, एक न्यूटन, क्योंकि न्यूटन के संबंध में या एक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम कहते हैं एक न्यूटन, यह न्यूटन हो गया। इसके बाद से सात नंबर में देख लेते हैं, सात नंबर में कार्य, कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन देख लेते हैं, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर हो गया कार्य का मात्रक, या बल को ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर, और ऊपर मीटर है तो मीटर से गुणा कर देंगे तो मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। तो यह भी मात्रक आपका हो गया कार्य का। तो कार्य का दो मात्रक हो गए, और भी कुछ लिख सकते हैं हम लोग न्यूटन, इतना किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं जूल। यानी कार्य के तीन तरह के मात्रक हम लोग देखिए कि न्यूटन मीटर, चाहे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, चाहे जूल। इसी तरीके से जितनी भी राशियां मिलेंगी सबका हम आसानी से मात्रक बना लेंगे, और कोई भी चीज यानी कोई भी भौतिक राशि अगर इन सात को छोड़ करके आती है तो वे सारी आपकी व्युत्पन्न राशि होगी। सात प्रकार की ये और दो प्रकार की जो पूरक राशियां कोण और घन कोण है उसको छोड़ करके जितनी भी राशियां आएंगी सारी की सारी आपकी व्युत्पन्न राशि होंगी, और व्युत्पन्न राशियों का मात्रक हम आसानी से ऐसे बना लेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर इसको जरूर करें, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।